सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिमलिंदा क्लासेस। दोस्तों, मैं आज से बायोलॉजी का एक सेशन चलाने वाला हूं। उस सेशन में आपको रेलवे का, जेई का, एसएससी का, सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। और इस क्लास में हम बेसिक से सीखेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी से रिलेटेड हम पूरी टॉपिक का एक बार हम आपको यहां पे क्लास में याद कराने की गारंटी लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी क्या होगा, ये बेसिक से हम आपको समझाएंगे कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम आपको देने वाले हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है, बायोस देखेंगे इस वक्त से लॉजी, बायोस प्लस लॉजी, बायोस में सो गया लिविंग और लॉजी में सो गया स्टडी। लिविंग को हिंदी में क्या कहते हैं, लिविंग को हिंदी में जीवन, अध्ययन, स्टडी को अध्ययन कहेंगे, यानी कि जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। क्या है, जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। और बायोलॉजी के फादर कौन थे, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जिनको हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, अरस्तु भी कहते हैं, क्या अरिस्टोटल जिनको हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। और द वर्ल्ड बायोलॉजी का नामकरण किसने किया था, बायोलॉजी का, लैमार्क ने, लैमार्क ने बायोलॉजी का नामकरण भी किया था। तो ये रही बात बायोलॉजी की। इसके बाद इतना तो कॉमन है, सबको पता है। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। हाँ, और एक चीज में है कि कौन सा लैंग्वेज है, ये ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है बायोलॉजी, ग्रीक लैंग्वेज है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, जूलॉजी, और दूसरा क्या है, बॉटनी। जूलॉजी यानी कि जू प्लस लॉजी, क्या हो जाएगा बच्चों, जू में होगा एनिमल, एनिमल्स होंगे, और लॉजी में क्या होगा, स्टडी। यानी कि हिंदी में आएंगे एनिमल्स को हिंदी में जंतु, जंतु, लॉजी में अध्ययन करना, अध्ययन यानी कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करना या जंतुओं का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आएगा, जूलॉजी के अंतर्गत आएगा। और जूलॉजी के फादर कौन है, अरिस्टोटल। अरिस्तु को ही जूलॉजी के भी पिता हैं, अरिस्तु। अब आप कहेंगे आपने एक बार बताया कि बायोलॉजी के भी पिता अरिस्तु हैं और जूलॉजी के भी पिता भी अरिस्तु हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सही है। और इसके बाद जब बात अरिस्तु की होती है तो इनकी एक बहुत ही फेमस बुक के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं, और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या है, हिस्टोरिका एनिमेलिया, हिस्टोरिका एनिमेलिया नामक ये पुस्तक लिखा गया था। और इसमें 500 से 1000 जंतुओं के बारे में अध्ययन किया गया है अरिस्तु द्वारा, 500 से 1000 एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया गया है, स्टडी किया गया है।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? और किस बेसिस पे किया गया है, किस बेसिस पे हम 500 से 1000 तक एनिमल्स का स्टडी किए हैं, अरस्तु जी ने इसमें स्टडी किया है, वो क्या होगा? पहला मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी होगा। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? आकार की, आकार की, आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जीवों के बारे में बाहरी संरचना की अध्ययन करना, जीवों के बाह संरचना का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आएगा? मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद क्या होगा? एनाटॉमी, एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होगा? एनाटॉमी में हम किसी भी जंतु के अंदर की, अंदर यानी कि आंतरिक संरचना के, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। किसी की फीलिंग नहीं जाननी है, हमें ये देखना है कि उसका अंदर का यानी कि ब्लड कैसा है, वह मतलब वो उसके बॉडी पार्ट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, वो क्या क्या कार्य होता है, किस तरह हड्डियां हैं, मांसपेशियां किस तरह हैं, इसके बारे में किसमें जाएंगे? एनाटॉमी में अध्ययन करेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, सॉरी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे एनाटॉमी में। इसके बाद क्या है, अगला टॉपिक आया फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या जानेंगे हम? किसी भी चीज के फंक्शनल वर्क ऑफ फंक्शन, फंक्शन का वर्क क्या होता है, स्टडी ऑफ फंक्शन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा, स्टडी ऑफ फंक्शन कि फंक्शंस के वर्क किस तरह हो रहे हैं। इस पर आते हैं हम दूसरे पार्ट्स पे, यानी कि बॉटनी जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और इसको यहां लिख लेते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, अब वनस्पति विज्ञान के बारे में बात करते हैं हम, क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट हिंदी में कहेंगे पादपों का अध्ययन, किसके अंतर्गत आएगा? बॉटनी में क्या आएगा? पादपों का अध्ययन। अब इसके पिता कौन थे? थेरोफेरस के पिता थे, यानी कि बॉटनी के जनक थे। और जब बात करते हैं थेरोफेरस की, इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक थी ये हम बताएंगे, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें लगभग 500 प्लांट्स का अध्ययन किया गया था, प्लांट्स का स्टडी किया गया था, स्टडी किया गया था। ये रहा बेसिक, इतना कॉमन है, लगभग सबको पता होगा। एक आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या हेडिंग डालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या होगा इसका हिंदी मीनिंग, क्या होगा? जो जीवित जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लक्षण एवं गुण क्या होंगे?
स्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आप हेडिंग डाल लीजिए, जो धारियों लक्षण व गुण, जीवधारियों के लक्षण व गुण कहते हैं। इसमें पहले हम बात करेंगे इसके, किसकी बात करेंगे, सेल ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनिज्म क्या, किसकी बात करेंगे, सेल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, इसके अंतर्गत क्या आएगा, सेल यानी कि कोशिका। सेल को हिंदी में कहेंगे कोशिका। क्या होता है कोशिका, यह हम देखेंगे। जिस प्रकार किसी घर को बनाने के लिए या किसी मकान को बनाने के लिए ब्रिक यानी कि ईंटे की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी जीवित जंतु को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, सेल यानी कि कोशिका की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई होती है, यूनिट होती है। क्या होता है, ये सेल है, सेल जैसा कि हमने आपको बताया कि ये किसी भी मकान को बनाने के लिए जिस प्रकार ईंटे की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कोशिका की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको क्लास सेकेंड में, सेकेंड क्लास में, सेकेंड लेक्चर में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।